आशुतोष गोवारिकर ने एज ए डायरेक्टर अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1993 में मूवी पहला नशा से की। इस मूवी के लीड कास्ट में दीपक तिजोरी, पूजा भट्ट, रवीना टंडन और परेश रावल शामिल थे और इस मूवी में शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान ने स्पेशल अपीयरेंस भी दिए थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1995 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई बाजी। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, ममता कुलकर्णी, परेश रावल और मुकेश ऋषि शामिल थे। इस मूवी का बजट 4 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 9 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2001 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई लगान। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, ग्रेसी सिंह, राहेल शेली और पॉल ब्लैकथॉर्न शामिल थे। इस मूवी का बजट 24 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 35 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 65 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2004 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई स्वदेश। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, गायत्री जोशी, किशोरी बलाल और राजेश विवेक शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 17 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 35 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2008 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई जोधा अकबर। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, सोनू सूद और सुहासिनी मूले शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 56 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 107 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 2009 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई व्हाट्स योर राशि। इस मूवी के लीड कास्ट में हरमन बवेजा, प्रियंका चोपड़ा और मंजू सिंह शामिल थे। इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा ने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए थे। इस मूवी का बजट 32 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 10 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 17 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2010 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई खेलें हम जी जान से। इस मूवी के लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोणे और सिकंदर खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 39 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2016 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई मोहनजोदारो। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, पूजा हेगड़े, कबीर बेदी और अरुणोदय सिंह शामिल थे। इस मूवी का बजट 100 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 58 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 107 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2019 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई पानीपत। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, अर्जुन कपूर, कृति सेनन और पद्मनी कोहलापुरे शामिल थी। इस मूवी का बजट 92 करोड़ था और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 40 करोड़ 42 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको आशुतोष गोवारिकर द्वारा डायरेक्ट की गई सभी मूवीज के बारे में बता दिया। आशुतोष गोवारिकर की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।